सही पकड़ता है करके, देख सकते हो बिल्कुल भी गिरेगा नहीं, देख रहे हो ना। और जो भाई सोचते हैं कि नहीं यार व्लॉगिंग करूंगा पर कैसे करूं, क्या होना है व्लॉग, कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूं बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। गाइस आज मैं आपको एक नई वीडियो में लेके आया हूं अपने साथ, और इस वीडियो में आपको क्या दिखाने वाला हूं कि व्लॉगिंग कैसे करते हैं, जो अपन लोग व्लॉग करते हैं, जैसे मैं व्लॉग करता हूं ना। हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो ये सब जो हम करते हैं तो इसको कैसे करते हैं और इस चीज़ के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको एक एंड्रॉयड फ़ोन की ज़रूरत है। एंड्रॉयड फ़ोन का फ्रंट कैमरा अच्छा हो, मतलब एंड्रॉयड हो या आईफोन हो, कोई सा भी मोबाइल हो आपके पास, थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए उसका फ्रंट कैमरा, क्लियरिटी अच्छी होनी चाहिए। और माइक हो या नहीं हो तो भी चलेगा, क्योंकि मेरे पास भी अभी तक माइक नहीं है। और मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मुझे 4 महीने हो चुके हैं व्लॉगिंग करते हुए। तो इसमें क्या होता है, आपको मोबाइल किस तरीके से पकड़ना है, आपको मोबाइल पकड़ना है व्लॉगिंग करने के लिए इस तरीके से, देख रहे हो ना, ये 2 उंगली पीछे लगानी है और 1 उंगली ये और 1 उंगली ये, इस तरीके से आपको मोबाइल को पकड़ना है और सीधे मोबाइल को, हेलो गाइस कैसे हो, तो बोलना हो। तो गाइस आप लोग समझ गए ना कि मोबाइल को किस तरीके से पकड़ना है व्लॉगिंग करने के लिए, 2 उंगली पीछे, 1 उंगली नीचे, 1 उंगली ऊपर, इस तरीके से, क्योंकि पॉज एंड प्ले करने के लिए आपका ये अंगूठा है ना, ये अंगूठा काम आएगा, देखिए। तो यहाँ से आप यहाँ से टच कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, तो बहुत ही आसान तरीके से आपका मोबाइल गिरेगा भी नहीं। तो ये सुविधा बहुत अच्छी है मोबाइल पकड़ने का। अगर आपके पास ट्रैपॉड या कोई भी स्टैंड वगैरह कुछ नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, मैं भी मोबाइल इस तरीके से ही पकड़ता हूँ करके, देख सकते हो बिल्कुल भी गिरेगा नहीं, देख रहे हो ना, कोई गिरने की मतलब ही नहीं है। और यहाँ से पॉज प्ले कुछ भी कर सकते हो आप, हेलो 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 हेलो। तो ऐसे व्लॉगिंग करने का आप स्टार्ट करिए। और जो भाई सोचते हैं कि नहीं यार व्लॉगिंग करूंगा पर कैसे करूं, क्या होना है व्लॉगिंग के लिए और क्या क्या होगा, पैसे नहीं है जिम में और मुझे तो कुछ आता भी नहीं है, मैं कैसे बोलूंगा, तो भाई कुछ मत सोचिए, कूद पड़िए, कुछ नहीं है, सिर्फ मोबाइल ऐसे पकड़िए और हाय गाइस कैसे हो आप सब लोग, और जो आप कर रहे हो वो अपने व्लॉग में आप दिखा सकते हो, प्यारे से प्यारे, अच्छे से अच्छा। कहीं आप जा रहे हो घूमने, कहीं कोई हादसा हो जाता है, उस चीज़ का व्लॉग बना सकते हो कि भाई मेरे साथ ये हो चुका है, तो मतलब कहीं भी कुछ भी आप बना सकते हो वीडियो में, कोई ऐसी बात नहीं, व्लॉगिंग में आप कुछ भी डाल सकते हो जो तुम्हें अच्छा लगे थोड़ा सा भी। और हमेशा आपको क्या करना है गाइस, सबसे पहले जैसे आपने मोबाइल स्टार्ट कर लिया, वीडियो ओपन कर लिया और व्लॉगिंग कर ली स्टार्ट, तो आपको मोबाइल को सीधा इस तरीके से नहीं करना है, आप इस तरीके से बोलो हाय, ऐसे भी चलेगा भाई, थोड़ा सा मोबाइल को क्लियरिटी के लिए थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि जो आपकी लाइट है, जैसे कि सनलाइट, जैसे कि सनलाइट पड़ रही है तो मेरे फेस पे एकदम क्लियरिटी पड़ेगी, मतलब बहुत ज़्यादा क्लियर पाएगा। तो देखो इस तरीके से मैं करूँगा ना, तो थोड़ा सा कैमरे को, जो मेरा मोबाइल फ़ोन है उसको थोड़ा सा ऊपर रखना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा ऊपर रख के, और चलिए मैं आपको ब्लॉग बनाना है पब्लिक में, मतलब सब लोग ट्रैफिक में, जो गाड़ियाँ भी चल रही हैं, लोगों की आवाज़ भी आती है, बाइकों की आवाज़ आती है, स्कूटी की आवाज़, तो उसमें क्या है आपको थोड़ा तेज़ बोलना पड़ेगा। और कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा तेज़ बोलिए, कोई सुन रहा है सुनने दीजिए, कोई हंस रहा है उसे हंसने दीजिए, कुछ भी करने दीजिए, पर आपको किससे मतलब है, अपने व्लॉगिंग से। तो व्लॉग को मोबाइल उठाइए थोड़ा सा ऊपर, स्क्रीन पे एकदम लाइट लाइए और चलने दीजिए व्लॉग को। तो गाइस मैंने आपको बताई थी कि मोबाइल कैसे पकड़ना है और क्या क्या जरूरत है, वैसे माइक की जरूरत है, पर अभी स्टार्टिंग में अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, पब्लिक में बना रहे हो तो थोड़ा तेज़ बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। और मोबाइल को इस तरीके से पकड़ना वो भी बता दिया मैंने, और अपने फेस से थोड़ा सा ऊपर रखना है ये भी बता दिया मैंने आपको। अब इसमें एक और मुख्य बात क्या है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर आपको ये मोबाइल में ऐसे वीडियो बना रहे हो तो आपको डिस्प्ले में नहीं देखना है, अगर डिस्प्ले में देखोगे तो जब वीडियो अपलोड हो जाएगी उसके बाद ऐसा लगेगा कि आप किसी और से बात कर रहे हो। तो आपको जो देखना है, आपको देखना है आपके कैमरे के लेंस में, आप अपने कैमरे के लेंस में देख के जब बात करोगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि आपसे बात कर रहा हूँ, मतलब मुझसे बात कर रहे हो। अगर मैं वीडियो देखूंगा तो आप मुझे ऐसा लगेगा कि मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। तो इस तरीके से कैमरे के लेंस में आपको देखना है, इससे बहुत बेटर क्वालिटी की वीडियो बनेगी। तो दोस्तों मैं आपको एक और सुविधा बता देता हूँ कि जैसे कि आप इस तरीके से व्लॉगिंग करते हो तो आपका शायद हैंड शेक हो सकता है, अगर आपको एकदम स्मूथ वीडियो चाहिए तो एक गोरिल्ला पॉड आता है, गोरिल्ला पॉड 400-500 रुपये का था, वो भी ले सकते हो। और जिस भाई का हाथ शेक नहीं करता था वो अच्छी बात है, वो नहीं ले, पर जिसके भाई का हाथ शेक करता है या कप कप आता है या कुछ भी होता है तो आप गोरिल्ला पॉड ले सकते हो, बहुत अच्छी वीडियो बना सकते हो। तो दोस्तों व्लॉगिंग में क्या होता है, व्लॉगिंग अगर आप कर रहे हो तो व्लॉगिंग स्टार्ट करने के बाद आपने ये देख लिया, हाय आई एम कपिल चौधरी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, कैसे हो आप सब लोग, ये सब बोलने के बाद क्या होता है, आप कहीं घूम रहे हो, बहुत सारे टेक लेने पड़ते हैं इसमें, एक टेक से काम चलता कि आप सेल्फी में बोलते जा रहे हो बोलते जा रहे हो, नहीं आपको बहुत सारे टेक भी लेने पड़ेंगे। जैसे आप कहीं घूम रहे हो किसी अच्छी प्लेस पे तो आपको एक 360 डिग्री में आपको एक शूट लेना है, वो बहुत ही प्यारा वीडियो के अंदर लगता है। जैसे आपने कैमरा कर लिया इस तरीके से, अब कैमरे को यो पकड़ के पूरा 360 डिग्री में घूमना है आपको,
ऐसे घूमने के बाद जो आप वीडियो को अपलोड करोगे तो उसमें ये वाला जो शॉट आएगा वो बहुत ही प्यारा, बहुत ही अमेजिंग, मजा आ जाएगा। तो गाइस आप करके देखना इस चीज़ को, फिर मेरे को बताना कि कैसा लगा। आपका वीडियो बन गया, वीडियो कंप्लीट हो गई, आपने बहुत सारे टेक ले लिए वीडियो में, तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आती है एडिटिंग। जैसे कि आपकी वीडियो कंप्लीट हो गई, सारे टेक कंप्लीट हो गए, जैसे आपके 20 टेक हो गए, तो आपको उसको मिक्स करके कैसे अपलोड करनी है, सारी मिक्स भी तो करनी है भाई, ये थोड़ी नहीं अलग अलग वीडियो, नहीं उसको मिक्स करोगे, जो चीज़ गलत चीज़ें वो काटोगे, जो अच्छा नहीं लग रहा वीडियो में उसे भी काटोगे, जो अच्छा लगेगा उसे रखना है। तो वीडियो एडिटिंग के लिए सबसे अच्छा ये क्या बता देता हूँ मैं आपको, काइनमास्टर से ही मैं एडिटिंग करता हूँ अपनी वीडियो की। तो आप भी काइनमास्टर से एडिटिंग करिए, ज़्यादा कहीं किसी चीज़ में मत घुसिए, काइनमास्टर बहुत ही अच्छा ऐप है, उससे आप एडिटिंग कर सकते हो बहुत ही बेहतर तरीके से, बहुत ही मज़ा आएगा उससे करने में। और एडिटिंग करने के लिए जैसे कि आपने एडिटिंग कर ली वीडियो में, उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ी सी वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाना है, अपनी वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाना है, तो आपको उसके क्या करना पड़ेगा, थोड़ा म्यूजिक वगैरह भी लगाना पड़ेगा। तो म्यूजिक वगैरह भी अगर ऐसा आपने लगा दिया ना, कोई भी म्यूजिक लिया लगा दिया, तो कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, आपकी वीडियो डिलीट कर देंगे, कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको वो गाने नहीं लगाने, वो सॉन्ग्स नहीं लगाने, आपको म्यूजिक लगाना है, जो म्यूजिक लगाना है काइन मास्टर से डाउनलोड हो जाते हैं, म्यूजिक का उसमें एक ऑप्शन होता है, म्यूजिक में जाइए, काइन मास्टर से डाउनलोड कर लीजिए और सारी म्यूजिक जितनी भी आएंगे उसमें से कोई भी चूज करिए और अपनी वीडियो में लगाइए और अपनी वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाइए। तो गाइस आपको क्या करना है, जैसे कि एडिटिंग जब आप कर रहे हो तो आपको मतलब वन बाय वन आप वीडियो क्लिप लगाते जाओगे, पहले आपको ये वीडियो लगानी, फिर ये लगानी है, सिक्वेंस लगाओगे। तो आपको क्या करना है, जो आपका सबसे अट्रैक्टिव सीन रहा हो उस ब्लॉग का, सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन, सबसे मज़ेदार सीन जो रहा हो 15-20 सेकंड का, उसको आप सबसे आगे वीडियो में लगा दीजिए। उसको सबसे आगे वीडियो में लगाने का फ़ायदा ये है कि कोई भी भाई, कोई भी अगर आपकी वीडियो को प्ले करता है, देखता है, तो उसमें स्टार्टिंग में आपकी जो सबसे अट्रैक्टिव सीन देख लेता है, तो उसको देखने के बाद उसको लगता है कि हाँ यार वीडियो में कुछ है, वीडियो बहुत अच्छी है, तो वीडियो को मैं पूरा देखता हूँ। तो उस सब्सक्राइबर हैं जो, वो आप पूरी वीडियो को देखेंगे, वीडियो को छोड़ के नहीं जाएंगे। तो गाइस सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको आगे 15-20 सेकंड का अट्रैक्टिव सीन को रखना ज़रूरी है। और दोस्तों एक खास बात और जो कि बहुत ज़रूरी है, मतलब आप व्लॉगिंग कर रहे हो, व्लॉगिंग करते टाइम क्या होता है, मूड ऑफ हो गया किसी बात को लेके, तो आपको ये नहीं गुस्से में है गाइस मैं जा रहा हूँ, चेहरे पे गुस्सा नहीं आना है, सैडनेस नहीं दिखानी है, हंसते खेलते हुए बड़ी प्यारी सी स्माइल देते हुए, हेलो गाइस कैसे हो आप सब लोग, जयपुर दिल्ली खुद दिखाना है, जैसे कि आपने देखा होगा मैं करता हूँ हमेशा चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल जो सबके दिलों पे राज करे। तो गाइस आप भी चेहरे पे स्माइल लगी है और फोन उठाइए आज ही और आज ही ब्लॉगिंग स्टार्ट कीजिए। गाइस देखो चेहरे पे सैडनेस होगी तो वीडियो अच्छी नहीं बनेगी, चेहरे पे गुस्सा दिखेगा, सामने वाला दिखेगा कि क्या यार गुस्से में घूम रहा है, क्या पागल हो गया क्या। तो आपको गुस्से में वीडियो नहीं बनानी है, वीडियो शूट नहीं करनी है, व्लॉगिंग गुस्से में नहीं होती है कभी भी, हमेशा प्यार में एकदम मतलब इस तरीके से एकदम खुले मिजाज में बनानी है यार, एकदम फन में, मतलब इस तरीके से हंसते खेलते हुए व्लॉगिंग करते हैं, और व्लॉगिंग करने का यही तरीका है कि आप खुश रहें और दूसरों को खुश रखें। और आपके अंदर एक जोश होना चाहिए कि हाँ मुझे व्लॉगिंग करनी है, मुझे व्लॉग बनाना है, मुझे मतलब कुछ शूट करना है, कुछ अच्छी सी वीडियो बनानी है, कुछ अच्छे से दिखाना है, कुछ अच्छे से मुझे शॉर्ट्स लेने, कुछ भी, मतलब एक जोश जो होता है ना, जोश कि हाँ मुझे कुछ करना है, मतलब जैसे कि मैं अब मुझे वीडियो शूट करने की बहुत आदत पड़ चुकी है, मुझे बहुत शुरू से आदत है वीडियो बनाने की, घूमने की, तो मेरे एक जोश रहता है कि हाँ यार मुझे व्लॉगिंग करनी है, मुझे मतलब अच्छा लगता है। तो इस तरीके से आपके अंदर जोश होना चाहिए, ऐसे नहीं करना है कि बिल्कुल सुस्त हो गए हैं, कैसे वीडियो बनेगी, क्या होगा, कैसे बनाऊंगा, अरे भाई मोबाइल उठाओ, चेहरे पे स्माइल लाओ, मैंने बताया था अपनी आई कांटेक्ट अपने कैमरे के लेंस से रखो और सीधे रखो और जोश के भरे हुए के साथ अपना व्लॉग स्टार्ट करो। तो गाइस लगभग मैंने आपको सब कुछ बता दिया, व्लॉगिंग में यही सब कुछ होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता, सबसे अच्छा अट्रैक्टिव होता है आपका फेस, आपको फेस को अपने को बहुत अच्छा खुश दिखता हुआ बनाना चाहिए, सैडनेस वीकनेस ये नहीं होनी चाहिए चेहरे पे, एकदम तगड़ा लगना चाहिए कि हाँ लौंडा खुश है, वाई व्लॉगिंग कर रहा है, मतलब अच्छा लगना चाहिए, चेहरे पे स्माइल लेनी चाहिए, ये सब मैंने आपको बता दिया है। और गाइस आपको जैसे कि कोई कोई वीडियो में मतलब कोई कोई टेक जो आपको लेना है, कोई टेक लेना है उसमें आपको स्पीड से दिखाना है, तो आपको काइन मास्टर सारी चीज़ उसके अंदर मिल जाएंगी, स्पीड अगर उसकी फास्ट करनी है या स्लो मो में करनी है या कुछ भी करनी है आपको सब काइन मास्टर के अंदर मिल जाएगा। और दोस्तों सबसे मेरी लास्ट और आखिरी बात यही है आप लोगों से
कि अगर मेरे भाई लोग जो भी व्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो व्लॉगिंग आज से स्टार्ट करते हैं। सोचे नहीं कि कौन क्या सोचेगा, कौन क्या बोलेगा, कि मुझे शर्म आती है, कि मुझे निकल, मैं घर से निकलूंगा तो घर से मोबाइल लूंगा तो लोग ये कहेंगे क्या कर रहा है, पागल हो गया। भाई लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लोग तुमसे आज कहेंगे, कल तुम्हारा कुछ अच्छा सक्सेस हो जाएगा तो तुमसे कल कहने नहीं आए, कल तुमसे ये कहेंगे कि भाई यार मैं तो कहता था कि तू तो फेमस हो जाएगा यार, मुझे तो पता थी। मतलब बहुत सारी बात बना देता है, मास्क ही हिला देता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ध्यान रखना है आपको क्या करना है लाइफ में, क्या नहीं करना है। अगर ब्लॉगिंग करना चाहते हो, ब्लॉगिंग आज से ही स्टार्ट कर दो, उठाओ मोबाइल और निकल पड़ो घर से मेरी तरह, और सपोर्ट करते रहो भाई यार, सपोर्ट करते रहो। चलो मेरे साथ भी बहुत जगह ऐसा होता है कि कभी कभी क्या हुआ, एरिया में बहुत भीड़ लग रही है और मैं अपनी ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो जैसे कि मैं हरिद्वार में गया था, तो हरिद्वार में क्या हर तरह का आदमी आता है। मैं अपनी ब्लॉगिंग कर रहा था तो साइड में लड़कियाँ थी, लड़के थे तो देख रहे थे। तो कुछ तरीके के लोग होते क्या करते हैं, पागल है वो, पागल हो गया है, तो अपने आपस में बात करते हैं, पागल हो गया है, अबे क्या भूचड़ गया है, ऐसे क्या ब्लॉगिंग कर रहा है, क्या कर रहा है। तो उनको कुछ पता तो है नहीं कि मैं क्या, तो इसलिए उनसे मत शर्माइएगा। अगर पब्लिक से ही शर्माओगे तो कैसे चलेगा यार, इसलिए शर्माना नहीं है भाई, अपनी जी जान लड़ा देनी है, ब्लॉगिंग ही ब्लॉगिंग करनी है। अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं तो, कुछ करना चाहते हैं तो, और कुछ नहीं करना घर बैठिए मस्त खाना खाइए सो जाइए, मस्त आपकी ज़िंदगी कटेगी, मस्त मौज आएंगी। अगर आपको ब्लॉगिंग करनी है तो मेरी तरह मेहनत करनी पड़ेगी, पसीना बहाना पड़ेगा जब आपको सक्सेस मिलेगी। तो ये तो देखो सीधी सी बात है, स्टार्टिंग में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, वजन उठाना पड़ेगा, सबकी सुननी पड़ेगी, सबको देखना पड़ेगा, और पर आपको आपको हर्ट नहीं होना अंदर से, आपको परेशान नहीं होना है कि नहीं इसने मुझसे ऐसा कह दिया तो मैं आज ये छोड़ दूंगा, मैं आज कुछ नहीं करूंगा। नहीं छोड़ना नहीं है, उसका जवाब देना। शुरू शुरू में स्टार्टिंग क्या कहते लोग, पागल हो गया, बुद्धि नहीं है, पूरे दिन मोबाइल में लगा रहता है, दिन क्या करता है मोबाइल में करके। तो गाइस सब कहते हैं, उसको तुम्हारे कल की पता नहीं कि आप कहां तक क्या करने वाले हो, बस वो आपको उस दिन का शुरू में स्टार्टिंग में आपके फॉलोवर पर डिपेंड करता है सब कुछ। आपके फॉलोवर कितने हैं, अगर आपके फॉलोवर 400 500 1000 2000 हैं तो आपके मुंह पर कह देगा कि आप क्या कर रहा है बकवास है। अगर आपके वहीं पे 1 मिलियन फॉलोवर है तो आपके चेहरे पे कह नहीं सकता वो आदमी, और ये कहेगा गाइस मेरे को भी वीडियो में ले लेना यार अपने साथ सेल्फी लेगा, ये करेगा वो करेगा। तो सब कुछ आजकल यही है गाइस, तो अपना कंसंट्रेशन एकदम लगा दो, वीडियो बनाओ और फाट डालो सालों को। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना।